हेलो दोस्तों, अनबॉक्सिंग रोशन टेलीकॉम की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। देख सकते हैं दोस्तों, आज जो हमारे पास डिवाइस है वो है टेक्नो की तरफ से आने वाला स्पार्क गो 2024। जी हाँ दोस्तों, ये नया मॉडल आया हुआ है टेक्नो की तरफ से, जो कि लो बजट का इनका मॉडल है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, अगर आप बैक साइड में यहाँ पर फीचर्स की बात कर ले तो ये देखिए 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है ये। 8 MP का इसमें सेल्फी कैमरा है। जी हाँ दोस्तों, 8 MP का इसमें सेल्फी कैमरा दिया गया है। और अगर बैक कैमरे की बात कर ले तो इसमें 13 MP का मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 13 MP का बैक कैमरा मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है प्रोसेसर के बारे में, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, T606। ये देख सकते हैं डिस्प्ले जो है इसकी HD+ होती है। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का साइड माउंट फिंगरप्रिंट के साथ में आता है। 10 वाट का चार्जर होता है टाइप सी, और बैटरी MAH जो है 5000 mAh की है। और जो स्पीकर की बात करें तो ये ड्यूल स्पीकर के साथ में आता है। तो ये कुछ इस तरह का बॉक्स है। और यहाँ पर फ्रंट पर देख सकते हैं आप 3+3 इसमें यानी 6 GB RAM का ऑप्शन दिया गया है। तो फटाफट से इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं आपको। और इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेंशन है 7499, जो कि इसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं है। इसकी एग्जैक्ट प्राइस आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ये फ़ोन अनबॉक्स हो चुका है और इसको दिखाते हैं। देखिए ब्लैक कलर में है, बहुत ही शानदार। इसको रखते हैं साइड में और बॉक्स के अंदर देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर आपको मैनुअल गाइड मिल जाएगी और टेक्नो का वारंटी कार्ड। और ये देख सकते हैं इसमें एक ट्रांसपेरेंट केस कवर दिया गया है, ये देख सकते हैं, जो कि सिलिकॉन वाइट कलर में है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह का दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आपको नॉर्मल 10 वाट का चार्जर मिल जाएगा, एक A2C केबल मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा। तो इसको रखते हैं फटाफट से साइड में और फ़ोन को इस रैप से बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार ये देख सकते हैं डिज़ाइन के साथ में आया हुआ है। ये देखिए क्या प्यारा कलर लग रहा है ब्लैक कलर में। इसमें और भी दो कलर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो कलर और भी अवेलेबल है, एक वाइट कलर और एक ग्रीन कलर। ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो देख सकते हैं आप, पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है। ये देखिए टाइप सी इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। इसके बगल में आपको माइक और फ़ोन के नीचे की राइट साइड में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा, जो कि ऊपर की साइड में भी एक स्पीकर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो कि 3 स्लॉट के साथ में अवेलेबल है। और फ़ोन के राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन, और यहाँ पर आपको नीचे की साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और पावर की दोनों एक में ही मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का लुक है दोस्तों इस बार गो 2024 का। तो फटाफट से इस फ़ोन को आगे बूट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, क्या शानदार क्वालिटी की डिस्प्ले इसमें Full HD+ दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें HD+ की डिस्प्ले दी गई है, सॉरी मैंने Full HD बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, इस प्राइस रेंज में जो कि टेक्नो की तरफ से लो बजट का फ़ोन है, काफ़ी शानदार क्वालिटी दी गई है। देख सकते हैं आप, मैं आपको इसका सबसे पहले कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत ही शानदार क्वालिटी का कैमरा दिया गया है इसमें, ये आप देख सकते हैं। इसी फीचर्स के साथ में आपको इन्फिनिक्स का स्मार्ट HD भी मिल जाएगा मार्केट में, जहाँ तक मुझे लगता है उससे इसका कैमरा थोड़ा अच्छा दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। और इसकी अगर सेटिंग में आपको मैं चल के दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको टेक्नो गो 2024 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 13 के साथ में आता है ये। 13 MP का इसमें रियर कैमरा और 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। 3/64 के साथ में आता है, 64 GB इसमें स्टोरेज आती है, 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरह का लुक था इस बार गो 2024 का। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिवाइस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।